मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। 2019 के चुनाव के लिए अभी एक साल बाकी है, लेकिन अभी से राजनीति के जो पंडित हैं वो अपने अपने आंकड़े गिनाना शुरू कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कितने सीटों से बनेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री की राह आसान नहीं है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीर साफ है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे के बदौलत, यानी कि अपने नाम और चेहरे के बदौलत लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर उभरे थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की, जीत हासिल की और हिंदुस्तान की हुकूमत पर राज भी किया। लेकिन हुकूमत पर राज कब तक चलेगा? क्या 2019 में भी क्या हिंदुस्तान की हुकूमत पर राज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? सबसे बड़ा सवाल। राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि 2019 में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का सपना टूट जाएगा। आखिर सपना क्यों टूटेगा प्रधानमंत्री मोदी का? क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या अड़चनें हैं जो प्रधानमंत्री के सामने यानी कि मोदी के सामने आने वाली हैं? आइए देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2019 में अभी करीब एक साल का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी पंडित अभी से ही आगामी सरकार को लेकर अटकलें लगाने लगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के फिर से अपने दम पर सत्ता में आने को लेकर कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टेनली की माने तो 2019 में केंद्र में गठबंधन की कमजोर सरकार बनने की संभावना है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल कोई पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे में बीजेपी भी अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पिछले तीन दशक का सबसे बड़ा जनादेश मिला था, मगर पिछले तीन साल में कमजोर आर्थिक वृद्धि, नोटबंदी, जीएसटी के कारण डगमगाई अर्थव्यवस्था और करीब 20,000 करोड़ के पीएनबी महाघोटाले के चलते पीएम मोदी की साख गिरी है। इतना ही नहीं, कठुआ और उन्नाव की गैंगरेप घटनाओं को लेकर भी लोगों, खासकर युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार या बीजेपी के अपने दम पर सत्ता में वापस आने के आसार कम ही है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट की माने तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव से महज 12 महीने दूर है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में बाजार में चुनावी परिणाम को लेकर कयासबाजी शुरू होने की संभावना है। बाजार हमेशा मौजूदा से ज़्यादा मजबूत सरकार की उम्मीद के साथ चुनाव में जाता है। केंद्र में गठबंधन की कमजोर सरकार बनने की संभावनाओं के बीच बाजार में आशा और उम्मीद रहने की संभावना बेहद कम है। कंपनी के मुताबिक साल 2019 में बाजार का माहौल साल 2014 के आम चुनाव से पहले जैसा नहीं रहेगा। हालांकि रिपोर्ट में मोदी सरकार और बाजार को लेकर उम्मीद भी जताई गई कि रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात का आकलन किया जाए तो तमाम इंडिकेटर्स मौजूद सरकार के पक्ष में हैं, विकास की संभावना दिखने लगी है, किसानों की स्थिति में भी सुधार आने की संभावना है और रोजगार के अवसर भी लौटने लगे हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीने में इंडिकेटर्स में बदलाव आ सकते हैं और उसके साथ ही चुनाव परिणाम में भी निर्धारित होंगे। मोदी उस शख्सियत का नाम है जो आने वाले हिंदुस्तान को एक ऐसे पायदान पर ले जाने की हुनर रखता है जहां हिंदुस्तान के आगे हर कोई झुकता नजर आएगा, और वो हुआ। लेकिन कहते हैं कि सारी चीज़ें हिंदुस्तान की वाहवाहियां बटोरने के लिए नहीं हो जाती। हिंदुस्तान के अंदर एक जनता है, हिंदुस्तान के अंदर वो गरीब मजदूर लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आशा लगाए हुए हैं कि हमारा उद्धार कब होगा। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए संजीदगी से काम करता हूं और उन लोगों के लिए मेरे दिमाग में हमेशा प्लान यानी कि तैयारियां चलती रहती हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं। लेकिन क्या 2014 से लेकर के अभी तक के कार्यकाल में एनडीए के
या प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तो है, क्या उनका कल्याण हो सका है? हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने बदौलत हिंदुस्तान को एक अच्छे पायदान पर, हिंदुस्तान को उस काबिलियत तक पहुंचा दिया है जहां पूरा विश्व नतमस्तक होकर झुकता है, हिंदुस्तान को सलाम करता है। ये चीज़ पहले नहीं थी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन अगर किसी के पेट में भूख लगी हो और उसकी तारीफ कर की जाए कि आप बहुत ही अच्छे हुनरवंद, या फिर आपके पास बहुत बड़ा पैसे आएंगे, आपके पास आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें, आप राजा बन जाएंगे, लेकिन भूख तो अभी लगी है, पेट अभी भरना है, तो फिर आप राजा कब बनेंगे, उसका लेना देना कब से है? वही हाल इस हिंदुस्तान की जनता का है। कई गांव, कई कस्बे, कई शहर ऐसे हैं जहां अभी तक विकास की बयार बही नहीं है। आपने योजनाओं को, नीतियों को लागू तो किया है, क्या ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो अधिकारी जो नीचे लेवल पर काम करते हैं, या जिला स्तर पर जो लोग काम करते हैं, क्या वो किसानों तक वो फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं? क्या वो उस तरीके से जो आपने नीतियां, जो आपने योजनाएं लागू की हैं, क्या वो योजनाएं उन किसानों तक, उन मजदूरों तक, उन आम इंसानों तक पहुंच पा रही हैं जो हिंदुस्तान, जो तो आप यानी कि बीजेपी सरकार से आशा लगाए रहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से आशा लगाए रहते हैं कि कुछ तो कल्याण होगा। आपको मैं बता दूं कि 2019 की लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दम पर सत्ता आने वाले को लेकर कयासबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है। अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टेनली की माने तो 2019 में केंद्र में गठबंधन की कमजोर सरकार बनने की संभावना है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल कई पार्टियां अपने सूबे व अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाएंगी। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब रहेगी। रिपोर्ट की में ये भी कहा गया है कि 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पिछले 3 दशक का सबसे बड़ा जनादेश मिला था, मगर पिछले 3 साल में कमजोर आर्थिक वृद्धि, नोटबंदी, जीएसटी और कारगर जो है डगमगाई अर्थव्यवस्था की जो चीज़ है, अर्थव्यवस्था वो है, वो डगमगाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो 2000 चुनाव में, फिर से यही बात बताता हूँ कि 2000 चुनाव में, 2014 के चुनाव में जो एक राजनीति की विसात निकल कर आई थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, एक जनादेश था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही हिंदुस्तान की राजगद्दी पर बैठेंगे। अब जनता के बीच एक आक्रोश है, एक सत्ता परिवर्तन की एक भावना है। हालांकि कई इलाकों में, कई कस्बों में, कई शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो जानते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए शायद ये कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन शायद जिसके जो परेशान हुआ है चीज़ों को लेकर के या विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से विचार करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को यानी कि बीजेपी को 2019 में चुनाव में वोट देना है या नहीं देना है। परंपरागत जो वोट है वो भी इस चीज़ में विचार करेंगे। हालांकि राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का विकास तभी अच्छी तरीके से हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई व्यक्ति इस राजगद्दी पर बैठा रहेगा। दूर है विकास की जो बयार है वो दूर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है जो हिंदुस्तान के लिए जो बातें कही गई थी, जो विकास की वादे किए गए थे, वो अभी तक उस पायदान पर नहीं उतर पाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।